नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इग्नू MEG05 के ब्लॉक 6 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन इंडिया टुडे। तो हम जानेंगे कि इंडिया में फेमिनिज्म का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, एंड इंडिया में फेमिनिज्म को लेकर, फेमिनिज्म के रिगार्डिंग आज तक क्या क्या इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द 18th सेंचुरी फेमिनिज्म इज अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन। मीन्स जो फेमिनिज्म है वो 18th सेंचुरी के दौरान वुमेन फ्रीडम एंड इक्वालिटी के लिए चलाया गया एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था। फेमिनिज्म का मेन गोल था फीमेल को ऑपरेशन एंड स्ट्रगल से लिबरेट कराना। Feminism in India is a set of movements aimed at defining, establishing and defending equal political, economical and social rights and opportunities for women in India. Means India में feminism जो है वो movements का एक set है जिसका aim है Indian women के social rights की रक्षा करना और women के लिए equal opportunities की demand करना and right and equal political, economical status को women के लिए establish करवाना। फेमिनिज्म इंडियन वुमेन के अधिकारों के लिए मांग उठाता है। इंडियन फेमिनिस्ट जो हैं वो इंडिया में जेंडर इक्वालिटी गेन करना चाहते हैं। फेमिनिस्ट चाहते हैं कि मेल फीमेल दोनों को वर्क करने का इक्वल राइट हो, सेम जॉब के लिए दोनों को इक्वल वेजेस दी जानी चाहिए एंड वुमेन को भी एजुकेशन का, पॉलिटिक्स का इक्वल राइट दिया जाना चाहिए जितना कि मेल को दिया गया है। Indian feminists also have fought against cultural specific issues within India's patriarchal society such as inheritance law. Means ki Indian feminists ne Indian patriarchal society ke antargat aane wale cultural based specific issues ke against fight ki thi. For example inheritance, matlab ki inhone uttaradhikar ki mang bhi ki thi aur aapko pata bhi hoga fir 1956 mein Hindu uttaradhikar adhiniyam jo hai wo lagu kiya gaya tha jisme property right jo hai wo women ko bhi diya gaya tha. To government ke dwara jitne bhi laws banaye gaye the फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए या फीमेल की स्थिति को इंडिया में राइज करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे आपके अधिनियम आए हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से अधिनियम थे। पूरी एक लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट मैं पूरे मेंशन कर दूंगी, तो आगे देख लेते हैं। तो ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये किसी भी टेक्स्ट को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो कुछ साल पहले या मतलब हिस्टोरिकली देखा जाए तो रूसो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल जैसे जो फेमस फिलासफर्स थे उन्होंने वुमेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ पास किए थे। उनका मानना यही था कि वुमेन में एबिलिटीज़ की कमी होती है। स्पेशली जो आपके रूसो थे ये तो इस हद तक बोलते थे कि जो वुमेन है उनको एजुकेशन लेने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत है, एंड वुमेन का काम होता है सिर्फ हाउस होल्ड वर्क्स को करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, एंड छोटा मोटा जो एजुकेशन होती है रिगार्डिंग जैसे हाउस होल्ड ड्यूटी या हाउस मैनेजमेंट जैसी, उनको जो है सिर्फ एजुकेशन लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पुराने इतने ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं वो कितना ज़्यादा नैरो थिंकिंग रखते थे वुमेन की रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, इट वॉज बिगिनिंग विद एरिस्टोटल हु हैड सेड दैट द फीमेल इज फीमेल बाई वर्च्यू ऑफ अ सर्टेन लैकिंग क्वालिटीज। तो यहाँ पे आपका क्वालिटीज होगा। मीन्स की फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं एरिस्टोटल से शुरू हुआ है, बिकॉज उन्होंने कहा था कि फीमेल जो है वो फीमेल इसलिए होती है बिकॉज उसके पास कुछ सर्टेन क्वालिटीज नहीं होती हैं एंड वो क्वालिटीज सिर्फ मेल के पास होती हैं। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो एरिस्टोटल ने बोली थी। एंड एरिस्टोटल की एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचर, जहां उन्होंने डायरेक्टली थ्योरेटिकल सपोर्ट दिया था इस बात को कि पॉलिटिकली वुमेन एंड मैन के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो बिल्कुल सही है। एंड बहुत सी राइटिंग्स ऐसे भी थी जिनमें फीमेल को इंफीरियर सेक्स बताया गया था, तभी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगा ताकि ऐसी राइटिंग्स को जो है इंटेरोगेट किया जा सके। नेक्स्ट है, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस टॉक्ड अबाउट वर्जीनिया वुल्फ एसे अ रूम ऑफ वंस ओन एंड इक्वेटेड द पेनिस विद पेन। हुआ क्या था कि एक राइटर थे हॉपकिंस जिन्होंने वर्जीनिया वुल्फ के एसे रूम ऑफ वंस ओन पर कमेंट करके उनके पेन को पेनिस के साथ कंपेयर किया था, यानी कि इक्वल बताया था, एंड वर्जीनिया वुल्फ के वर्क की इंसल्ट की थी। तो अपने इस कमेंट से जो हॉपकिंस थे उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि राइटिंग जो है वो सिर्फ मेल डोमेन है एंड मेल को ही सूट करता है, ना कि फीमेल को। हालांकि वर्जीनिया का ये जो एस्से है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया एंड हॉपकिंस की ये जो स्टेटमेंट थी अपने आप ही रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ का एस्से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जितना पोटेंशियल एक मेल रखता है राइटिंग्स को लिखने में उतना ही पोटेंशियल जो है फीमेल में भी होता है।
तो इसके अलावा और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस फेमिनिस्ट राइटिंग्स रही हैं जो कि आपके सिलेबस में भी हैं, जैसे फर्स्ट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, सेकंड सिमोन डी व्यूअर का द सेकंड सेक्स, थर्ड एलन शो वॉल्टर का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। ये तीनों आपकी बहुत ज़्यादा फेमस फेमिनिस्ट राइटिंग्स रही हैं उस टाइम पर, जिनसे जो आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। तो तीनों के ऊपर जो है मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी हैं, अगर आपने देखनी होगी तो आप जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, मैं पर्टिकुलर वीडियो का लिंक नहीं दूंगी, मैं आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आसानी से आप चूज करके जो भी वीडियोस आपको देखनी होंगी आप देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि फेमिनिज्म की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, फेमिनिज्म किस तरह से इंडिया में राइज हुआ है। तो ये जो आपकी हिस्ट्री है ये बेसिकली आपकी तीन फेजेस में डिवाइडेड है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तो हम हर फेज को डिटेल में जानेंगे। So the first phase beginning in the mid 19th century initiated when reformists begin to speak in favor of women rights by making reforms in education customs involving women। मतलब कि हमारा जो first phase है वो mid 19th century में शुरू होती है जब reformists ने women के favor में बोलना शुरू किया, women education and women rights के लिए आवाज़ उठाएगी। तो इसी phase में आपकी सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी, child marriage and women की education के लिए आवाज़ उठाई गई थी, and ये भी ensure किया गया था कि legally जो है women को इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। नेक्स्ट है द सेकेंड फेज फ्रॉम 1915 टू इंडियन इंडिपेंडेंस व्हेन गांधी इनकॉर्पोरेटेड वुमेन्स मूवमेंट्स इनटू द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बिगिन टू इमर्ज। मींस ये जो आपकी सेकेंड फेज है ये आपकी 1915 से इंडियन इंडिपेंडेंस तक चलती है, जब गांधी जी ने वुमेन के साथ मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था एंड वुमेन को भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल किया गया था। एंड इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था कि इंडिपेंडेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा इमर्ज होने लगी थी। एंड ये जो आपकी सेकेंड फेज है ये डील करती है सेक्सुअलिटी के साथ, फैमिली, डोमेस्टिसिटी, रिप्रोडक्टिव मिसयूज, मैरिटल रेप जैसे इशू से भी। एंड इसमें मतलब इस आपकी फेज के दौरान रेप क्राइसिस सेंटर्स एंड वुमेन शेल्टर्स भी ओपन करवाए गए थे, एंड इस वे में कस्टडी एंड डाइवोर्स लॉज में भी चेंज लाया गया था। तो नेक्स्ट है हमारी थर्ड फेज जो कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद का समय माना जाता है, विच हैज़ फोकस्ड ऑन फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एट होम आफ्टर मैरिज इन द वर्क प्लेस एंड राइट टू पॉलिटिकल पैरिटी। मतलब कि इस फेज का बेसिकली आपका फोकस था कि आफ्टर मैरिज और वर्क प्लेसेस में वुमेन के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए एंड पॉलिटिकली भी वुमेन को इक्वालिटी दी जानी चाहिए। एंड दिस फेज ऑल्सो फोकस ऑन हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर वुमेन। एंड इसके अलावा इस फेज में फाइनेंशियल, कल्चरल एंड सोशल इनइक्वालिटी जिनकी वजह से वुमेन सफ़र कर रही हैं उनको भी एक्सपोज किया गया है। तो ये थी इंडिया में फेमिनिज्म की हिस्ट्री, तो आगे देख लेते हैं आप। ओके, तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है, यहाँ पे भी वही कल्चर था जिसके अकॉर्डिंग मेल को यानी कि फादर और हस्बैंड को हेड ऑफ द हाउस होल्ड कंसिडर किया जाता है। एंड इंडिया में पैट्रिनिलियल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर वंश का पता मेल लाइन की ट्रेसिंग के थ्रू लगाया जाता है, बच्चे को पिता के नाम से ही जाना जाता है एंड फैमिली रिसोर्सेज को, फैमिली प्रॉपर्टी को जो पिता है वही कंट्रोल करता है। And next is exceptionally it should be noted that the several communities in India such as the Nayars of Kerala, Shetties of Mangalore, certain Marathi clans and Bengali families exhibit matriarchal tendencies। मतलब कि इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जैसे कि केरला के नेयर्स हो गए, मैंगलोर के शेटीज हो गए, कुछ बंगालीज़ फैमिली हो गई, कुछ मराठी कुल हो गए, ये सभी फैमिलीज़ जो हैं इनमें मैट्रियार्कल सोसाइटी जो है एग्जिस्ट करती है, मतलब कि मैट्रियार्कल टेंडेंसीज हैं जो कि पैट्रियार्कल से बिल्कुल अपोजिट है, बिकॉज इन कम्युनिटीज़ में हेड ऑफ द फैमिली जो है वो ओल्डेस्ट वुमेन होती है रेदर देन ओल्डेस्ट मैन। एंड इन फैमिलीज़ में ओल्डेस्ट फीमेल को प्राइमरी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। एंड सिख कम्युनिटी भी ऐसी ही एक कम्युनिटी है जहाँ जेंडर न्यूट्रल माना जाता है। ओके, तो अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडियन लाइफ में फेमिनिज्म का तब तक कोई स्थायी औचित्य नहीं था जब तक कंट्री को 1947 में इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। इसके बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंतर्गत वुमेन एंड मेल को इक्वलिटी दी गई, इक्वल फ्रीडम दिया गया, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई एंड इक्वल एजुकेशनल फ्रीडम दिया गया। इसके साथ ही वुमेन को उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए एंड उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट द्वारा 7 पंचवर्षीय योजनाएं भी विकसित की गई थी। एंड इवन जो हमारी 6th पंचवर्षीय योजना थी उसमें महिलाओं को इंडियन डेवलपमेंट में पार्टनर्स डिक्लेयर किया गया था कि जितना इंडियन डेवलपमेंट में मेल का हाथ है उतना ही फीमेल का भी है।
एंड इंडियन फेमिनिस्ट अटेम्प्ट टू चैलेंज द पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सोसाइटी इन वैरायटी ऑफ वेज. मतलब कि इंडियन फेमिनिस्ट ने अपने सोसाइटी में जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा था उसको वैरायटी ऑफ वेज से डिफरेंट तरीके से चैलेंज किया. जैसे कि मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक गवर्नमेंट वर्कर थी जिनका नाम था संपत पाल. ये 5 बच्चों की माँ थी एंड इन्होंने इंडियन कम्युनिटी में बढ़ते डोमेस्टिक वायलेंस को एंड डोमेस्टिक अब्यूज़ को नोटिस किया था. तो इन्होंने इस वायलेंस को कम करने के लिए एक विजिलेंट ग्रुप बनाया था जिसको गुलाबी गैंग के नाम से जाना जाता है. तो इसके ऊपर जो है मूवी बन चुकी है अगर आपको पता होगा तो, जिसमें माधुरी दीक्षित जो है वो मेन रोल में है. अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी है. तो ये जो गुलाबी गैंग थी ये फीमेल के अब्यूजर्स को ढूंढकर उनको बैम्बू स्टिक से तब तक मारती थी जब तक कि वो रिपेंट नहीं करते. एंड इन्होंने हिंदुइज्म की फीमेल गॉडेसेस की पावरफुल इमेज को भी रिफ्लेक्ट किया था. तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के मेन इंटेंशंस क्या हैं. तो फर्स्ट है टू अनफोल्ड एंड वाइडन द फीमेल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग्स. मींस कि फीमेल के राइटिंग ट्रेडिशन को वाइडन करना, मींस उनका विस्तार करना. सेकंड है टू इंटरप्रेट द सिंबोलिज्म ऑफ वुमेन्स राइटिंग सो दैट इट विल बी नॉट लॉस्ट और इग्नोर्ड बाय द मेल पॉइंट ऑफ व्यू. मींस कि जो आपकी फीमेल राइटिंग्स हैं उनके सिंबोलिज्म को अच्छे से इंटरप्रेट करना ताकि जो फीमेल राइटिंग में स्ट्रांग मुद्दे हैं उनको अच्छे से सिग्निफाई किया जा सके, उनको पावरफुल बनाया जा सके ताकि फीमेल राइटिंग को मेल इग्नोर ना कर पाए. एंड थर्ड पॉइंट है टू हेल्प वुमेन्स राइटिंग गेन अ सिग्निफिकेंट प्लेस इवन इन द वर्ल्ड ऑफ मैन. यानी कि इनका थर्ड इंटेंशन है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में और मेल वर्ल्ड में यानी कि पुरुष प्रधान समाज में वुमेन की राइटिंग्स को एक सिग्निफिकेंट प्लेस मिल सके. एंड हमारा फोर्थ पॉइंट है टू कंसिडर फीमेल राइटिंग एंड देयर राइटिंग्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वुमेन. ताकि महिलाओं की राइटिंग्स को महिलाओं के परस्पेक्टिव से ही समझा जाए, पढ़ा जाए. एंड फिफ्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट सेक्सिज्म इन लिटरेरी टेक्स्ट. मींस कि लिटरेरी टेक्स्ट में सेक्सिज्म यानी कि सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को कम करना इनका एक इंटेंशन है. ये थे हमारे इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के मेन इंटेंशन कि उन्हें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए. मतलब कि एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि जो राइटर्स होती हैं वो एक तो लिखती हैं, दूसरा वुमेन की राइटिंग्स को एनालाइज किया जाता है फीमेल परस्पेक्टिव से एंड अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है. तो नेक्स्ट जान लेते हैं फेमस इंडियन फेमिनिस्ट के बारे में जिन्होंने फीमेल की आवाज़ उठाई थी एंड जिन्होंने कहीं ना कहीं फीमेल का जो स्टेटस है वो इंडिया में राइज करवाया था अपने फेमिनिस्ट मूवमेंट से. तो सबसे पहले है राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय जो हैं, जिसके आपको पता भी है, ये फेमस हैं अपनी सती प्रथा को ख़त्म करवाने की एक्टिविटी से. क्योंकि इन्होंने 1829 में इंडिया में जो सती प्रथा चली आ रही थी उसको ख़त्म करवाया था. उस टाइम पर आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने इनके कहने पर फिर सती प्रथा पर जो है रोक लगा दी. एंड इसके अलावा इन्होंने पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथाओं के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई थी. एंड वे वुमेन के लिए यानी कि राजा राममोहन रॉय जो हैं वो वुमेन के लिए प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट एंड वुमेन एजुकेशन के लिए भी लड़े थे. नेक्स्ट है ज्योतिराव फुले. ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले एंड अपने फ्रेंड सदाशिव के साथ मिलकर काम किया एंड इन्होंने इन्फेंटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के अगेंस्ट सेंटर्स ओपन करवाए थे. एंड इन्होंने विडोज की भी हेल्प की थी जो कि प्रेग्नेंट थी ताकि इन्फेंटिसाइड्स को मिनिमाइज किया जा सके. तो नेक्स्ट है सावित्री बाई फुले. तो सावित्री बाई फुले ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबसे पहले गर्ल्स स्कूल खुलवाया था. नेक्स्ट फेमिनिस्ट हैं ताराबाई शिंदे. ये एक एक्टिविस्ट थी एंड इनका एक फेमस वर्क है स्त्री पुरुष तुलना, जिसे फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है. अगली जो हमारी फेमिनिस्ट है उनका नाम है सरला देवी. ये एक अर्ली फेमिनिस्ट थी जिन्होंने भारत की फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ओपन की थी एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था भारत स्त्री महामंडल. एंड लास्ट है सरोज नालिनी दत्त. ये एक सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने बंगाल में एजुकेशनल वुमेन इंस्टीट्यूशन शुरू किए थे. तो ये थे हमारे कुछ फेमस इंडियन फेमिनिस्ट. ओके, तो लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लीगल सिस्टम के बारे में, यानी कि फीमेल की इंडिया में स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉज पास किए थे. सबसे पहले है प्रोहिबिशन ऑफ सती जो कि 1829 में हुआ था, ये मैंने आपको पीछे भी बताया. उसके सेकंड है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये 1856 में किया गया है पास. उसके बाद थर्ड एक्ट है हमारा चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव एक्ट, ये 1929 में पास हुआ है. इसमें जो एज रखी थी फीमेल की मैरिज की वो 15 डिसाइड की गई थी एंड मेल के लिए 18 की गई थी. नेक्स्ट है आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट, ये 1954 में पास किया गया है. इसमें इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ किया गया.
एंड नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में पास किया गया है, एंड इसके अंतर्गत जो शादी की एज है वो फिर से अमेंडमेंट उसमें हुआ था, जो फीमेल की मैरिज एज है वो 18 की गई थी एंड जो मेल की मैरिज एज है वो 21 की गई थी, अब तो फिर से आपकी एक्सटेंड हो गया है। प्रेजेंटली बोला जाए तो अब लड़का और लड़की दोनों की मैरिज एज जो है वो सेम कर दी गई है, 21 कर दी गई है। नेक्स्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो कि 1956 में पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो फीमेल है उसको भी मेल की तरह ही बच्चा गोद लेने की छूट दी गई थी। इसमें जितनी भी महिलाएं हैं यानी कि जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं या अविवाहित हैं, उन्हें ये राइट दिया गया था कि वो लड़का या लड़की गोद ले सकती हैं। नेक्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि 1956 में पास हुआ है। इसमें मेल के इक्वल फीमेल को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। उसके बाद है हमारा 8th पॉइंट इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट ऑफ गर्ल जो कि 1956 में पास किया गया। इसके अंतर्गत जो ट्रैफिकिंग वगैरह है जो गर्ल्स की होती है, वुमेन की होती है, उनको खत्म किया गया था, उस पर रोक लगाई गई थी। एंड लास्ट है डॉरी प्रिवेंटिव एक्ट जो कि 1961 में पारित किया गया है। इसके अंतर्गत दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, यानी कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध कंसिडर किया गया था। तो यही था फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन इंडिया टुडे टॉपिक के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।